नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कैंट विधायक अशोक रूहानी द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम बिलहरी रानी अवंतीबाई वार्ड 67 में किया गया, जिसमें सभी अधिकारी और मंडल अध्यक्ष शामिल हुए और पौधे लगाए। आज हम सब यहाँ पर पूरे डिवाइडरों पर पौधारोपण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं दोनों आरोग्य भारती एवं गायत्री परिवार को साधुवाद देता हूँ कि समाज को जगाने का काम जो वो कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे पौधों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल यशवंत राव पाटिल आज जबलपुर पहुंचे, इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भगवान स्वामी नारायण के छठी आर्थिक अनुगामी और वृद्ध प्रसिद्ध स्वामी जी का जन्म जबलपुर में हुआ था, जिसको लेकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य सुभाष चंद ने इसकी जानकारी दी। यहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 3 दिवसीय हो रहा है। 18 तारीख को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक भजन संध्या एवं कीर्तन का आयोजन है। उसके बाद भंडारा 19 तारीख को शाम को 6 से 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके बाद भंडारा और 20 तारीख को प्रमुख कार्यक्रम है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, जो कि यहां पर 6 से 7:30 बजे तक होगी और उसके बाद में भंडारा होगा। ये तीनों दिवसीय कार्यक्रम सामने आर कन्या विद्यालय का पूरा प्रांगण उन्होंने हमें दिया हुआ है, भवन भी मिला हुआ है, तो वहाँ पर ये तीनों दिवसीय कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।